हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो है वापस पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। आइए समझते हैं सीएसवी फाइल, फिर से आपको दिखाता हूं। देखिए सीएसवी फाइल होती क्या है, पहले उसके बारे में बता देता हूं। तो जो भी सीएसवी फाइल होगी ना, सीएसवी फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी जो भी फाइल बनती है और वो कॉमा से सेपरेट होती है, ठीक है। अब कॉमा से सेपरेट होती हुई आपको कब दिखाई देगी, ये भी एक सवाल बन जाता है कि आखिरकार कॉमा से सेपरेट होते हुए दिखाई कब देगा। तो दिखाई तब देगा वो जब आप उसे नोटपैड पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो फाइल हम कैसे बना सकते हैं और क्या क्या करना है। देखिए एक कीवर्ड तो आपको लिखना ही पड़ेगा, पहले तो हम वीएस कोड अपना ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम कोडिंग जो भी करेंगे वो वीएस कोड पे ही करेंगे, ठीक है। तो ये वीएस कोड ओपन किया है और ये देख सकते हैं, ये वीएस कोड ओपन भी हो गया है, देख सकते हैं। और यहां पर हम अपनी सीएसवी फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करके यहां से न्यू फाइल हम लेंगे। तो यहां पर जाकर के राइट क्लिक करते हैं और न्यू टेक्स्ट फाइल हम ले लेते हैं। अब यहां पर हमें बनानी है सीएसवी फाइल, तो क्या लिखना होगा, स्मॉल में लिखिएगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एक कीवर्ड है, ठीक है। और यहां लिखिएगा सीएसवी, इतना लिख लेने के बाद अब हमें बनानी है सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल किस नाम से हम एक बना लेते हैं, डाटा नाम से, ठीक है। और यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये इंपोर्ट सीएसवी लिखने के बाद एंटर कर दीजिएगा, तब यहां पे डाटा नाम से बनाइएगा और इज इक्वल टू का निशान लगाया। अब यहां पे करेंगे क्या, यहां पर हम लिख लेते हैं डबल कॉमा में नेम, एन ए एम ई, नेम हो गया, फिर इसे क्लोज किया और यहां पे कर देते हैं एज, यानी एक हो गया नेम और दूसरा हो गया क्या, एज, ठीक है। यानी दो चीजें हो गई हैं, एक हो गया है नेम और दूसरा क्या हो गया है, एज हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर दो इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, तो हमने यहां पे दे रखा है नेम और एज, लेकिन यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा और इसके नीचे यहां पर हम नेम और एज देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे कर लेते हैं हम, और यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने ओपन किया था इसको यहां पर इस तरीके से क्लोज भी कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए ये जो है कुछ इस तरीके से आया हुआ है और यहाँ पर ये इंडिकेट भी कर रहा है कि नेम में आप इस तरीके से लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमको जॉन तो लिखना नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से लिखेंगे कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और फिर इसमें लिख लेते हैं राम, आर ए एम, राम लिख दिया, डबल कॉमा को क्लोज किया, कॉमा देंगे और यहाँ पे एज लिखेंगे, ठीक है। तो एज जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो मान लीजिए कि एज है 23, तो यहाँ पे 23 दे दिया, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। और अब आप एंटर करिएगा, एंटर करके नीचे जैसे ही आएंगे तो यहां पर विथ ओपन लगाते हैं। विथ ओपन का फायदा यह है कि आप क्लोज नहीं भी करेंगे इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये विथ ओपन लगा दिया हमने और इस सीएसबी फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, सैंपल डॉट सीएसबी, ये सीएसबी फाइल का नाम है, ठीक है। तो सैंपल डॉट सीएसबी के नाम से इसे हमने यहां पर दे दिया है। और यहाँ पे मोड क्या रख देते हैं, मोड रख देते हैं राइट मोड, यानी डब्लू मोड रख देते हैं, डब्लू से राइट होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है। और अब यहां पर हमें न्यू लाइन चूंकि शुरू करनी है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, न्यू लाइन भी दे देते हैं। कैसे देंगे न्यू लाइन, यहां पर लिखेंगे कॉमा देकर के, ये देखिए डब्लू लिखा है, कॉमा देकर के लिखेंगे न्यू एन ई डब्ल्यू लाइन, तो ये हो गया न्यू लाइन। और यहां पर लगा दिया है इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल ट्रेड कॉमा या डबल कॉमा ओपन कीजिएगा और उसे क्लोज कर दीजिएगा, तो ये काम हो गया, ठीक है। इतने से क्या होगा, काम हो जाएगा आपका। और इसे नाम दे दीजिएगा एज फाइल, क्या नाम दे दीजिए, एज फाइल, या कुछ भी ऐसे नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। और यहां पर कॉलन लगा दीजिएगा, यानी ये लिखने के बाद आपको सिंपली कॉलन लगा देना है, कॉलन यानी दो पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अब नीचे आना है और यहाँ पे राइटर फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे लिखा राइटर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, सीएसवी, सीएसवी डॉट राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई और आर, ठीक है। और यहां पर फाइल आएगी हमारी, ठीक है, एफ आई एल ई, ठीक है। तो यहां पर चूंकि एज फाइल दिया हुआ है तो यहाँ पे एज फाइल ही आएगा। और फिर यहां पर क्या करेंगे, वापस लिखेंगे राइटर, यानी दो बार डब्ल्यू आर आई टी ई आर, राइटर। और यहां पर क्या करना है आपको, राइटर के बाद यहां पर लगाना है डॉट, क्या लगाना है, डॉट। और यहां पर लिखेंगे राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई और रोज, राइट रोज करेंगे और ये करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पर लिख देंगे डाटा, डी ए टी ए, डाटा लिख दिया। और डाटा लिख करके बस यहीं तक आपको रखना है,
और ये रख करके क्या करना है, नीचे प्रिंट करवा देना है। तो अब हम यहां पर करवाएंगे प्रिंट, और प्रिंट करवाते हुए ये ध्यान रखिएगा कि इंटेंडिंग यहां आएगी। तो ये लिखिए प्रिंट, ब्रैकेट को करिए ओपन, और यहां पर अब आपको क्या दे देना है, यहां पे दे देना है फाइल क्रिएटेड, फाइल क्रिएटेड। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो अब हम इसे चलते हैं चलाने के लिए। ठीक है, क्रिएटेड करेंगे, यहां पे ए छूट गया तो ये क्रिएटेड कर दिया, और इसको चलाते हैं यहां से। तो अगर चलाएंगे तो ये देखिए ये चल जाना चाहिए। तो पहले तो इसे सेव करेंगे, तो सेव किसी भी नाम से आप कर सकते हैं, डॉट पी वाई लगा के एंटर कर दीजिए तो ये सेव हो जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं ये टाइप एरर बता रहा है, तो यहां पर कॉमा देना भूल गया हूं मैं, तो कॉमा वॉमा देना मत भूला कीजिए, और यहां से अब इसको चला दीजिए। तो ये फाइल क्रिएट हो गई है, देखिए लिखा हुआ है फाइल क्रिएटेड, यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ आ गया फाइल क्रिएटेड, लेकिन ये फाइल गई कहाँ है, तो यहाँ पर फाइल आपको नीचे दिखेगी भी, तो यहाँ पर जा करके हम इसे क्या करते हैं, राइट क्लिक करके और इसे ओपन करते हैं। कहाँ ओपन करेंगे, तो देखिए ये तो इसी एडिटर में ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमा लगा लगा के लिखा गया है, नेम एज और राम 23 जो दिया गया था वही आ रहा है। आप चाहे तो इसे नोट पैड में भी ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ बढ़ाना या घटाना हो तो वो भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, देखिए यहां पर तो हमें लगाना पड़ेगा कॉमा, तो यहां लगा दीजिएगा कॉमा, एंटर कर दीजिएगा और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिएगा। पहले ऊपर इंपोर्ट सीएसवी, फिर डेटा या किसी भी नाम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, जो भी बनाएंगे ध्यान दीजिएगा उसका नेम आप दे दीजिएगा, जैसे डेटा के अंदर हमने स्टोर कराया, आप किसी चीज के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेटा के अलावा कुछ और नहीं लिखा जा सकता, वो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे फिर डबल कॉमा बना लेना है, फिर यहाँ पर राम के बजाय कुछ और लिख देना है, जैसे हम यहाँ पे श्याम लिख देते हैं, ये लिख दिया श्याम, फिर यहाँ आकर के फिर डबल कॉमा के अंदर इनकी एज डाल देनी है। ठीक है, तो डबल कॉमा लगाना ही नहीं है क्योंकि ये तो इंटीजर है, तो यहाँ पे डबल कॉमा लगेगा ही नहीं, तो इनकी एज है 34, तो 34 कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, ये सेव भी हो गया। और अब बारी इसे रन कराने की, तो यहां से रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा, ये देखिए ऑलरेडी रन हो गया है, फाइल क्रिएटेड आ भी गया है। तो क्रिएट हुई फाइल तो वो गई कहां, तो देखिए ये sample.txt नाम से फाइल क्रिएट हुई है, और इसमें श्याम 34 एज इंक्रीज भी हो गया है। जैसे जैसे इसमें करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें चीजें इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैं फिर से कर लेता हूं, क्या करता हूं, यहां पे बनाता हूं एक स्क्वायर ब्रैकेट, क्लिक करता हूं एंटर करता हूं और यहां पे बना लेता हूं एक स्क्वायर ब्रैकेट, और डबल कॉमा के अंदर यहां पे लिख देता हूं गौरव, GAURAV, तो ये लिख दिया गौरव, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा करके इनकी एज लिख देंगे। एज जो है डबल कॉमा या सिंगल कॉमा में नहीं रखना है, क्योंकि एज जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका इंटीजर। ठीक है, बाकी नीचे हमने इसको नाम दे दिया sample.csv, तो ये sample.csv के ही नाम से आएगा। इसको एक बार चलाना होगा, तो ये चला दिया है हमने। ठीक है, और यहां पर टाइप एरर इसलिए है क्योंकि कॉमा नहीं दिया, तो कॉमा जरूर दे दीजिएगा, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं। तो बस ये हो गया, अब ये फाइल बन गई, और जब बन जाएगी तो फिर दिखेगी कहां, तो यहां पर दिखेगी, ये देखिए ये sample.txt है, तो इसमें गौरव 25 भी ऐड हो गया है, देख सकते हैं ना, बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी।